हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे क्या है सच्चाई ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम का। अक्सर हमें मैसेज और ईमेल आता है, ऑनलाइन घर से काम करें और कमाएं 5K पर वीक, 10K पर वीक। ये काम करने के लिए आपके पास सिर्फ एक कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, इसके पीछे कोई हिडन चार्ज नहीं है, वगैरह वगैरह। यह एक मानव टेंडेंसी है कि फ्री की चीज़ों पे एक बार ध्यान तो चला ही जाएगा, और इसी टेंडेंसी का कई लोग फ़ायदा उठा लेते हैं। हम यह नहीं कह रहे कि सारे कंपनी जो ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम देने का दावा करती है वे फर्जी है, पर यह जान लें मोर देन 90% फर्जी होता है। एक बात जान लें, मुफ्त में कुछ नहीं मिलता है, यहाँ सभी किसी न किसी तरह से पेड ही होता है। इसलिए बेहतर है कि ऐसे किसी भी ऐड की तरफ आकर्षित ना हों, क्योंकि ये आपका पैसा और समय दोनों बर्बाद करेगा और अंत में आपको फ्रस्ट्रेशन ही मिलेगा। जो ऐसे कामों को ट्राई कर चुके हैं और उनके साथ धोखा नहीं हुआ है तो वे लकी हैं, पर ऐसे लकी इंसान बहुत ही कम हैं। ज़्यादा लोग आपको ठगाए हुए ही मिलेंगे। यह ठगने का भी धंधा ईमानदारी और लीगल तरीके से होता है, इसीलिए कोई लीगल एक्शन भी लेने का नहीं सोचता। दूसरी बात, इसमें लोग 5K, 8K और 7K इंडियन रुपीज़ ठगाते हैं, तो इनके लिए वे कोर्ट क्या जाएंगे? इससे ज़्यादा तो वकील की फ़ी ही चली जाएगी, और फिर भी पैसा वापस आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए अगर हमारी बात मानते हैं तो ऐसे कोई भी ऐड पे बिल्कुल ध्यान ना दें। हम जानते हैं ऐसे ऐड की तरफ मजबूर लोग ही आकर्षित होते हैं, ज़्यादातर जिनके पास काम नहीं है, पैसे नहीं है, कई तो फ्रेंड से कर्ज लेके दे देता है। इसमें काम करने वाले लोग इतना कन्विंसिंग होते हैं कि आप वहाँ गए नहीं कि कन्विंस हो जाएंगे, आप मजबूर हो जाएंगे पैसे देने के लिए, और ये लोग मजबूर लोगों की मजबूरी का फ़ायदा बखूबी उठाते हैं। आप में शायद कई न माने इस बात को, पर अगर आप चले गए आप पक्का कन्विंस हो जाएंगे। फिर भी जैसा कि शुरू में हम बोले कि मोर देन 90% ठगने वाली कंपनी है, इसका मतलब कुछ ठीक भी है। अब आप पूछ सकते हैं कि बिना गए कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए जवाब ये है कि अगर आप जानना चाहते हैं तो नीचे दी हुई बातों को ध्यान में रखते हुए जाएं। पहला यह कि पहले फ़ोन से पता कर लें, ये लोग जो ठग हैं जान लें फ़ोन पे आपको कोई भी जवाब क्लियर नहीं देंगे, घुमा घुमा के जवाब देंगे और आपको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि आप उनके ऑफिस ही जाएं। फ़ोन पे आपको किसी भी तरह का कोई भी चार्ज नहीं बताएंगे। अगर बात ऐसी है जहां फ़ोन पे आपको कोई क्लियर जानकारी नहीं मिली तो विश्वास करें और बिल्कुल न जाएं। खैर, फिर भी आप नहीं माने और चले गए तो उनकी सारी बातें सुनें। ऐसा नहीं कि काम नहीं देते, काम देंगे, पर उसके टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत ही लंबे चौड़े होते हैं, तो आप उसे डिटेल में समझें। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो वो टर्म्स एंड कंडीशंस लेके वापस घर आ जाएं। अगर वहाँ पे भी नहीं समझ में आया तो किसी सीनियर से, किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन से पूछें और डिस्कस करें, और ख़ुद से भी एनालाइज करें कि यह टर्म्स एंड कंडीशंस आपके लिए मान्य है कि नहीं, आप ऐसा कर सकते हैं कि नहीं। अगर आप उस काम के प्रति कॉन्फिडेंट हैं तो आगे बढ़ें, नहीं तो बिल्कुल नहीं। दूसरी बात, अगर आप काम के प्रति कॉन्फिडेंट हैं और करना चाहते हैं तो आप पूछिए पहला काम लेने के क्या रजिस्ट्रेशन फ़ी है। अगर यह बिल्कुल फ्री है तो कोई बात नहीं, आप एक बार ट्राई तो कर ही सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, थोड़ा समय जाएगा, पर अगर आपसे रजिस्ट्रेशन फ़ी डिमांड किया गया, वो अमाउंट कुछ भी हो, ऐसे स्थिति में आप काम के प्रति कितना भी कॉन्फिडेंट क्यों ना हो, पैसे ना दें। और फिर अमाउंट कितना भी कम क्यों ना हो, से ओनली 1500, फिर भी ना दें। आप पूछें किस बात के पैसे, वे बोलेंगे रजिस्ट्रेशन फ़ी और सिक्योरिटी डिपॉजिट, तो आप बोलें किस बात की सिक्योरिटी डिपॉजिट, उनका आप क्या ले रहे हैं। आप जान लें जिनको वर्कर्स चाहिए होते हैं वे पैसे देते हैं, लेते नहीं हैं। आजकल प्लेसमेंट एजेंसी भी फ्री में जॉब दिलाता है और कंपनी से पैसे लेता है, कैंडिडेट से नहीं।
खैर सारांश यह है कि ठगाने से पहले ऊपर वाला बचने का मौका देता है, बस उसे पहचानना है। जो नहीं पहचान पाए वे ठगा जाते हैं। आगे आपकी मर्जी है कि आप बात मानते हैं या नहीं। पर अंत में यह कहना जरूर चाहेंगे कि आप में से जिन किन्हीं को इन बातों की जानकारी या अनुभव है, प्लीज़ शर्माएं नहीं, कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। इससे आप कई दूसरे को ठगने से बचा सकते हैं। शुक्रिया।